वेलकम टू माय चैनल ओए इट्स यमी। तो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है पिज्जा पाव पुलाव, जो बहुत ही बढ़िया बना है। इसे बनाने के बाद अब बाहर के पिज्जा और बर्गर सब कुछ भूल जाओगे। तो अगर आपको रेसिपी की जानकारी चाहिए तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना पड़ेगा। तो चलो हम रेसिपी की शुरुआत करने जाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सॉस। उसके लिए मैंने एक पैन गरम करने रख दिया है। अब उसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे। मैंने यहाँ पे ली है गार्लिक पेस्ट, लहसुन की मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितनी पेस्ट ली है। अब इसे हम अच्छी तरीके से ऑयल में मिक्स कर लेंगे। अभी अब इसमें डालेंगे चॉप ऑनियन। मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए ऑनियन लिए थे 3 कम से कम, तो वो इसमें हम डाल देंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम नमक, जिससे ये झटपट से पक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ऑनियन पक चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 से 3 टमाटर लिए है, इसे भी एकदम से बारीक सा चॉप कर लिया है। अब इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। ये ऑयल रिलीज होने तक हम इसे पकाएंगे। तो इसका जो रॉ फ्लेवर है, इसका जो पानी छूट रहा है टोमेटोज का, वो हमें नहीं चाहिए। तो इसे अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। हमारे ये जो प्याज और टमाटर है अच्छी तरीके से अब पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितनी लाल मिर्ची पाउडर, और इसमें डालेंगे हम 3 से 4 चम्मच जितना टोमेटो केचप, और उसी के साथ डालेंगे हम थोड़ा सा मिक्स हर्ब या ओरेगानो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हो। और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो सॉस है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हमने पाव लिए है, पाव को इस तरीके से हम अलग कर देंगे और इसे हम बीच से सेंटर से ही इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है। बेकिंग ट्रे में मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर को सेट कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा बटर से ग्रीस करेंगे इस तरीके से। इससे जो हमारे जो पाव है या बन है, जो भी कुछ है, वो बहुत ही क्रिस्प और ब्राउन हो गए नीचे से। तो यहाँ पे ये जो डाउन पोर्शन था बॉटम वाला, वो इधर रख देंगे हम इस तरीके से। इसको अरेंज कर देंगे। अब हम इसे लगाएंगे, ये जो हमने सॉस बनाया था वो इस पर लगा देंगे इस तरीके से। इसे अच्छी तरीके से हमें स्प्रेड करना है सब जगह से। तो ये अच्छी तरीके से कवर हो चुका है सॉस से। तो इस पे डालेंगे हम बॉइल कॉर्न। मैंने यहाँ पे जो कॉर्न लिया है वो बॉइल किए हुए लिए हैं, तो इस पे हम डाल देंगे। वो भी अच्छी तरीके से हर जगह पे हम डाल देंगे इसे। और उसी के साथ हम डालेंगे इस पर ये शिमला मिर्च। इसे थोड़ा हम डिस्टेंस पे डालेंगे। अब इस पर जाएगा मोज़रेला। यहाँ पे मैंने मोज़रेला को ग्रेट कर लिया था, तो इस पर हम डालेंगे। अगर आपको ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा डालना इसे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने चीज भी डाल दिया है। अब ऊपर से ये जो ऊपर वाला पार्ट था उसे भी हम इस तरीके से लगा देंगे। अब इस पे वापस थोड़ा सा चीज हम डालेंगे। अगर आपके पास मोज़रेला चीज नहीं है तो आप प्रोसेस चीज में भी इसे बना सकते हो, जो रेगुलर चीज हम यूज करते हैं इस तरीके से। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स इस तरीके से।
और थोड़ा सा ओरेगानो या मिक्स हर्ब। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने यहाँ पे रखा है एक स्टैंड और इसे धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए हम थोड़ा प्रीहीट होने देंगे। तो अब हम इसे खोल के ये जो हमारी ट्रे है ट्रे को रख देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे थोड़ा 10 मिनट के लिए। बेक कर लेंगे, खोल कर देख लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो चुका है, आप देख सकते हो कि ऊपर जो हमने चीज डाला था वो चीज भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे गैस ऑफ करके इसे ले लेंगे। तो मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ कि ये कैसा बना है। वाओ, मैंने बताया था ना आपको कि आप पिज्जा और बर्गर सब कुछ भूल जाओगे। देखिए, देख सकते हो कि ये कितनी आसानी से घर पे बन चुका है और इसे बनाने में कोई झंझट भी नहीं है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।